नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इसकी तिथि निर्धारित कर दी है और कह दिया है कि 29 नवंबर से पहले ये चुनाव हो जाना तय है और चुनाव 29 नवंबर से पहले हो जाएगा। तो जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि निर्धारित की है तो सभी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव मोड में आ गए हैं और सभी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। तो अभी हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार अजय वर्मा जी हैं, तो आइए जानते हैं। आज उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिन है, आज उन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है। तो आइए, सबसे पहले तो सर, आपने जो अपना वेबसाइट लॉन्च किया है और चुनाव भी जैसे कि 29 नवंबर से पहले हो जानी है, तो आपको सबसे पहले आर्यभट्ट की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दूं कि इन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है ajaywarma.co.in, तो इससे कितना इनको फ़ायदा मिलेगा सर? आप जैसे कि ये वेबसाइट लॉन्च किए हैं तो जनता से जुड़ने में आपको ये वेबसाइट कितना, मतलब कि इस ये सहयोग देगा? देखिए, आज का इस बार का पूरा चुनाव जो है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही चुनाव होने वाला है और जन जन तक पहुँचने का एक यही सरल माध्यम रह गया है। इसलिए अभी का जो चुनाव होगा, खासकर जब कोरोना का समय चल रहा है और जनसंपर्क को पाबंदी लग चुका है कि आप बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, बड़ा जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, तो लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा सरल और बहुत बड़ा माध्यम जो है सोशल मीडिया के द्वारा होगा। और ये हमारा वेबसाइट जो है, इसके माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं और बहुत लोग जो हमको जानना चाहते हैं, मेरी बात को सुनना चाहते हैं, ये भी एक माध्यम है सब तक पहुंचने का। इसलिए आज के चुनाव में बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा। सर, ये तो हुई बात कि जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो हैं तो वो आपसे जुड़ेंगे, लेकिन जो मान लीजिए जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इस वेबसाइट तक कैसे पहुँचेंगे? मुझे लगता है कि फेसबुक का इस्तेमाल करीब के सब लोग जानते हैं, मोबाइल करीब के सबसे ज़्यादा संख्या में अभी मोबाइल का इस्तेमाल होता है। टीवी नहीं देखते हैं, पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन मोबाइल सब लोग रखते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाते, वही फ़ोटो देखते हैं। फ़ोटो के माध्यम से भी वो इतना समझ जाते हैं कि जो माहौल चल रहा है अभी चुनाव का, कि क्या लोग कहना चाहते हैं, इतना लोग सब में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जनसंपर्क तो होता ही है, उसका तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बड़ा संख्या नहीं, 5 की संख्या में जाना है, लेकिन जब जनसंपर्क भी होगा, लेकिन ज़्यादा लोग इसको लोग जानते हैं और इसके माध्यम से लोग समझेंगे। सर, प्रचार प्रसार तो चलिए ये वर्चुअल हो जाएगा, ये वेबसाइट के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन जो जैसे कि देख ही रहे कोरोना वायरस जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, तो ये तो हो गई कि मेरे प्रचार प्रसार हो गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चुनाव आयोग ने जो ये चुनाव की तिथि निर्धारित की है तो कितने जनता चुनाव देने, वोट देने आएंगे, क्योंकि इस वायरस में कितना ये सही है चुनाव होना? देखिए, सरकार ने जो फैसला ले लिया, चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है, तो उसके बाद किसी के बोलने का कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। हर पार्टियों ने विरोध किया, अपने अपने बात को रखा, चुनाव आयोग के पास भी रखा, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन जो चुनाव आयोग का जो नियम है, कानून है, वो उसके अनुसार वो कहते हैं कि 29, चूँकि सरकार का टाइम होता है 5 साल का अवधि, वो पूर्णने वाला है, तो उसके अंदर में चुनाव कराना होता है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उसका भी पाबंदी है। और समस्या तो है, बहुत विकट समस्या है, कोरोना का समय है, चुनाव प्रभावित तो जरूर होगा, इसका असर पड़ेगा, बहुत लोग चुनाव तक वोटिंग में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब जो आदेश है उसको तो हम लोग सभी को पालन करना है। और जनता भी मतदान जानती है कि 5 साल में एक बार आता है, जब सरकार ने केवल नाम का लॉकडाउन रह गया, आप अगर देखिएगा तो लॉकडाउन केवल कहने का, रोड पर आप देखिए, मार्केट से लेकर सब जगह खुला हुआ है, लेकिन जहाँ सरकार को लगती है कि अपना सुविधा, उसके हिसाब से वो अपना स्टेटमेंट देती है। सर, आपको क्या लगता है कि जनता जुड़ेगी आपसे इसके इस माध्यम से? निश्चित रूप से जुड़ेगी, हमसे जुड़ा हुआ जमीनी लोग हम लोग हैं, ये तो एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो शिक्षित लोग हैं, चाहे जहाँ लोग रोड पर नहीं निकलते हैं, घर में बंद है, मोबाइल टेलीविज़न इस सब का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए है। लेकिन हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और पहले से ही
ऐसा नहीं कि हम इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, बहुत पहले से लोगों के साथ हम जुड़े हैं और हर क्षेत्र में हर लोगों से पर्सनली हम लोग का कॉन्टेक्ट है, एक एक माध्यम है केवल। जैसा कि पिछली बार भी आपने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी आप निर्दलीय ही चुनाव लड़िएगा या किसी पार्टी विशेष का अगर आपका सहयोग मिला तो आप क्या उनसे जुड़ना चाहेंगे? देखिए अभी तो हम किसी पार्टी में है नहीं, तो इसको निर्दलीय कह सकते हैं कि अभी निर्दलीय है, लेकिन अभी चुनाव में अभी 2 महीना का टाइम है और भविष्य में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी हम स्वतंत्र रूप से हैं और अपना प्रचार प्रसार अपने नाम पर अपना व्यक्तित्व पर स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। अगर आपकी चुनाव मान लीजिए जीत जाते हैं, चुनाव जनता जो आपका पूरा सहयोग देखती है और आपको भारी मतों से जिताती है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद जो विधायक होते हैं, MLA होता है, MLC होते हैं, जितने भी होते हैं वो वादा करते हैं और उसके बाद वो 5 साल तक लापता रहते हैं। तो सर आप भी वैसे ही 5 साल लापता रहिएगा या पूरा जनता का सहयोग दीजिएगा, उन पर खड़े उतरिएगा? देखिए हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, हमको कहीं दिल्ली बम्बे और गाँव जाना नहीं है, हम लोग का जन्म कर्म जो भी कहिए यहीं से है, तो हम लोग को कहीं जाने का भागने का कोई सवाल ही नहीं है। और चूंकि हम लोग जनता से पहले से जुड़े हैं, ऐसा संबंध हम लोग से है, पॉलिटिकल संबंध नहीं है, हम लोग जिस क्षेत्र में है हम लोग का रिलेशन 10 साल 15 साल 20 सालों से रिलेशन है, तो भागने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का शिक्षा से लेकर खेल कूद जो भी है सब यहीं, स्कूल कॉलेजिंग सब जो हुआ है पटना के यहीं से हम लोग हैं, तो इसलिए हम लोग भागने का कभी सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ क्षेत्र में इसीलिए आए हैं कि जो भाग रहे हैं उनको सबक देकर बाहर करें और ऐसे लोगों को लाना है, हम लोग जनता के बीच में ही बात रख रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाना है जो हमेशा जो विधायक समझते हैं कि हम मालिक है जनता का, उनको भ्रम को दूर करना है। विधायक है MLC जो भी हो जनता का सेवक है और उसको हर समय 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, अन्यथा उसके लिए कोई जगह नहीं है। सर आपके आगे की रणनीति क्या है, जनता आप अगर आप बन जाते हैं जीत जाते हैं ये चुनाव तो आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करिएगा? देखिए बहुत क्षेत्र में बहुत सा काम है और सबसे पहले तो जनता का जो प्राथमिकता है जिस क्षेत्र के लिए जल जमाव की समस्या से लोग त्रस्त हैं, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, उस पर हम सभी लोगों का राय मत लेकर इस समस्या को परमानेंट समाधान चाहते हैं कि बार बार ये समस्या उत्पन्न न हो। और बाकी उसके अलावा भी है, एजुकेशन का, मेडिकल का बहुत समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं बहुत है जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के साथ दुख के घड़ी में कोई भी पल हो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना, ये सबसे बड़ा हमको लगता है कि जनता के लिए सहानुभूति होता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्यभट्ट न्यूज़ के अपना टाइम निकालने के लिए और इतनी अच्छी बातें कहने के लिए, और आपको एक बार फिर आपके जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। तो ये थे अजय वर्मा जी, कुम्हरार से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तिथि निर्धारित की है तो सभी पार्टियाँ एक्टिव हो गई हैं और हर राजनीतिक दल काफ़ी जोर शोर से लग गई है अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए। और आज अजय वर्मा जी ने भी अपना वेबसाइट लॉन्च किया है और मैं आशा करती हूँ कि लोग इनसे जुड़े और इन्हें भारी मत से इन्हें विजय भी बनाएं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, और आपने अगर आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज। नमस्कार।